all the people in media, and through you, the entire people of Tripura, that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC area to press for our demand for a constitutional with the government of India. The bandh will be from 6 a.m. to 6 p.m. But this is the beginning of telling the government of India that we want an early solution to our problem. And on the 30th of September, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज की प्रार्थना बन के एडीसी एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा। इसलिए तो हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सॉल्यूशन का हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है, लेकिन पेशेंस इज रनिंग थिन। एंड इन अ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन और डिमांड पर ग्रेटर की प्रलाइन होना है। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। टिपरा मोथा 30 सितंबर को एडीसी में पूरा दिन बंद रखेगा, और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना जिज्ञासा है, उसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ, और हमें संवैधानिक सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, खालसा दिखाइए, और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी, लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज दे सकते। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। थैंक यू। वो आपको हम बता देंगे प्रॉपरली अनाउंस करके, लेकिन दैट विल बी मेड पब्लिक टू यू। बट पूरा त्रिपुरा में एडीसी एरिया में, एडीसी एरिया में हमने पूरा बंद रखा। एडीसी एरिया बिकॉज वी नो दैट आउटसाइड एडीसी एरिया त्रिपुरा मोथा हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस, एंड वाई शुड बी गो एंड शट डाउन शॉप्स ऑफ पीपल हु आर नॉट इफेक्टेड इन अ मूवमेंट। I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the government of India from the Tiprasas. If other people want to support us, they are most welcome, but we will not force them. But from the Tiprasa community side, we will definitely send a message to the government of India that we want justice for our survival and existence of our people.